दोस्त, आज से 50 साल या फिर 100 साल पहले जब कोई किसी से कहा करता था कि मैं 800 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, तो लोग इसे बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी में ये सब संभव है। और दोस्तों, अब 800 क्या 1000 मीटर ऊंची बिल्डिंग 4 से 5 सालों में आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट बिल्डिंग के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में टॉप 10 हाईएस्ट बिल्डिंग के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे बिल्डिंग के बारे में बताया है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी वो फ्यूचर में बनके तैयार हो जाएंगे। नंबर 10 पर आता है लहोते वर्ल्ड टावर। इस बिल्डिंग में 123 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 554 मीटर है, यानी करीब 1819 फीट। ये बिल्डिंग 2017 में कंप्लीट होने के बाद पब्लिकली ओपन है। ये बिल्डिंग लोकेटेड है शियोल सिटी में। अब नंबर 9 पर आता है पिक एंड फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग लोकेटेड है शेंजन सिटी में और इस बिल्डिंग में 115 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 599 मीटर है, यानी करीब 1965 फीट। 2017 में कंप्लीट होने के बाद ये बिल्डिंग पब्लिकली ओपन है। नंबर 8 पर आता है अलब्राज एल बेट क्लॉक टावर। ये बिल्डिंग लोकेटेड है मक्का सिटी में और इस बिल्डिंग में 120 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 601 मीटर है, यानी करीब 1972 फीट। 2012 में कंप्लीट होने के बाद ये बिल्डिंग पब्लिकली ओपन है। अब नंबर 7 पर आता है शंघाई टावर। ये बिल्डिंग लोकेटेड है शंघाई सिटी में और इस बिल्डिंग में करीब 128 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 632 मीटर है, यानी करीब 2073 फीट। ये बिल्डिंग 2015 में कंप्लीट होने के बाद पब्लिकली ओपन है। अब नंबर 6 पर आता है मेडिका 118। ये बिल्डिंग लोकेटेड है कुआलालंपुर सिटी में और इस बिल्डिंग में 118 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीब 644 मीटर है, यानी करीब 2113 फीट। ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एस्टिमेट के मुताबिक ये 2025 तक बन जाएगा। ये बिल्डिंग 2019 में बनना शुरू हुआ था। अब नंबर 5 पर आता है शिमाओ शेंजन हांगकांग इंटरनेशनल सेंटर। ये बिल्डिंग लोकेटेड है शेंजन सिटी में और इस बिल्डिंग में 90 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई है 655 मीटर, यानी करीब 2149 फीट। ये बिल्डिंग 2014 से अंडर कंस्ट्रक्शन है और एस्टिमेट के मुताबिक ये बिल्डिंग 2022 में बनके तैयार हो जाएगा। अब नंबर 4 पर आता है दुबई 1 टावर और इस बिल्डिंग में 611 फ्लोर्स हैं, यानी करीब 711 मीटर, यानी करीब 2333 फीट। ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और एस्टिमेट के मुताबिक ये बिल्डिंग 2027 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है बुर्ज खलीफा। और दोस्तों, हमने बुर्ज खलीफा को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि हम आगे जो आपको दो बिल्डिंग बताने वाले हैं, ये दोनों फ्यूचर में बनने वाले बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा ऊँचे बिल्डिंग्स हैं। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि बुर्ज खलीफा इस समय प्रेजेंट में सबसे ऊँची इमारत है। और दोस्तों, बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स हैं और इसकी ऊंचाई करीब 828 मीटर है, यानी करीब 2722 फीट। अब नंबर 2 पर आता है जेडहा टावर। इस बिल्डिंग में 167 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1000 मीटर है, यानी करीब 3300 फीट। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बुर्ज खलीफा के बाद जो मैं दो बिल्डिंग बताने वाला हूँ वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर ऑन होल्ड में है। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग अभी रुकी हुई है
क्योंकि कोरोना काल की वजह से इस बिल्डिंग को बनाने का काम रोक दिया गया था। और एस्टिमेट के मुताबिक ये बिल्डिंग 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब नंबर 1 पर आता है मुबारक अल कबीर टावर। ये अब तक की प्रपोज्ड सबसे ऊंची इमारत है और इस इमारत में करीब 234 फ्लोर्स होने वाले हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1001 मीटर होगी, यानी करीब 3284 फीट। और इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2023 में स्टार्ट होगा और एस्टिमेट के मुताबिक ये बिल्डिंग 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थे प्रेजेंट में बने हुए और फ्यूचर में बनने वाले कुछ सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग्स। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।